जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है दैनिक राशिफल 23 जून 2017 राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा उसके बारे में है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, तो विक्रम संवत 2073 जेठ वद 14 जो तिथि है वो सुबह 11:50 तक है, उसके बाद अमावस्या चालू हो जाती है। शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:49 तक है, उसके बाद नक्षत्र चलेगा मृगशीर्ष। योग शूल है सुबह 6:15 तक, करण है चतुष्पाद और चंद्र राशि जो है वो वृषभ है, शाम को 6:17 तक और उसके बाद चंद्र राशि होगी मिथुन। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम राशि मेष राशि के लिए, तो मेष राशि वाले जातक के लिए आज का जो दिन है वो वृषभ एवं मिथुन राशि के चंद्र है तो आपके लिए शुभ है। दूसरा एवं तीसरा चंद्र वाणी से धन प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होती है, नए साहस करेंगे आप, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा, तो आपके लिए दिन शुभ है। बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए जो चंद्र है वो आपकी राशि के अंदर है और चलेंगे धन स्थान के अंदर तो आपके लिए भी शुभ है। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी, लॉ मैटर में सक्सेस रहेगा और इनकम में आपके वृद्धि होती है। आज की जो तिथि है वो 14 तिथि है, ये 14 तिथि खास करके जो तुला एवं मकर राशि के लिए घात तिथि में आती है, तो सुबह 11:50 तक का जो समय है वो तुला एवं मकर राशि वाले को शांति से पास करना होगा सुबह का समय, और उसके बाद जब तिथि चलती है अमावस्या, तो अमावस्या जो तिथि है वो वृषभ कन्या एवं मीन राशि के लिए घातक होती है, तो 11:50 के बाद का जो समय है वो वृषभ कन्या एवं मीन राशि के लिए शुभ नहीं है, तो ये तीन राशि वाले को दिन शांति से पास करना होगा। तो वृषभ राशि वाले जो भी जातक है 11:50 के बाद का जो समय है अमावस्या तिथि चालू हो जाती है तो दिन शांति से पास करें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। मिथुन राशि के लिए चंद्र 12वें स्थान से निकलकर अपनी राशि के अंदर आएंगे, जो आपके लिए शुभ है। पार्टनर के लिए आपका खर्च हो सकता है, एब्रोड रिलेशन या एब्रोड कनेक्शन से आपको बेनिफिट मिल सकता है। कर्क राशि के जो चंद्र है वो 11वें स्थान से निकलकर चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, तो संतान रिगार्डिंग आपके कार्य हो सकते हैं लेकिन चंद्र बदलने के बाद आपके खर्च बढ़ सकते हैं या तो एब्रोड कनेक्शन से आपको बेनिफिट मिल सकता है। चंद्र आपके 12वें स्थान के अंदर चलेंगे जिसके चलते हुए आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर सूर्य और चंद्र और मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है जो शुभ नहीं है। सिंह राशि के लिए जो चंद्र है वो आपकी राशि से 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर है, जो आपके लिए शुभ है, आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, दिन आपके लिए शुभ है। कन्या राशि के लिए चंद्र आपके भाग्य स्थान से निकलकर चलेंगे 10वें स्थान के अंदर, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है।
बिजनेस में कारोबार में तरक्की होती है, लेकिन जो 11:50 के बाद जो तिथि चालू होती है वो अमावस्या आपके लिए घात तिथि में आती है। तो दिन आपको शांति से पास करना होगा, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। तुला राशि वाले के लिए चंद्र जो है वो अष्टम स्थान से निकलकर चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो शाम के समय आप थोड़ा सा प्रसन्नता महसूस करेंगे, हालांकि जो सुबह का समय है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए चंद्र सप्तम स्थान से निकलकर अष्टम स्थान के अंदर चलेंगे, तो सुबह का जो समय है वैसे भी वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए घात समय होता है, घात प्रहर होता है, और दोपहर के बाद जब चलेगी तिथि अमावस्या और चंद्र शाम को चलेंगे अष्टम स्थान के अंदर, तो आठवें स्थान के अंदर चंद्र का भ्रमण शुभ नहीं होगा, तो जिसके चलते हुए आप फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करें। और जो नक्षत्र हैं वो मृगशीर्ष है, जिसके चलते हुए वाणी में संयम बरतें और खास करके फाइनेंशियल मैटर के अंदर विशेष केयर करें। धनु राशि के लिए चंद्र जो है वो छठवें एवं सप्तम स्थान के अंदर होंगे, तो ये आपके लिए मध्यम फलदायी है। शाम का समय जो है वो चंद्र सप्तम स्थान के अंदर होंगे, जिसके चलते हुए दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको खास केयर करना होगा। मकर राशि के लिए जो चंद्र है वो पांचवें एवं छठवें स्थान के अंदर होंगे, तो संतान रिगार्डिंग आपके कार्य हो सकते हैं, एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से लाभ रहेगा। हालांकि जो तिथि है वो अमावस्या आप सुबह 11:50 तक चालू होती है, लेकिन उससे पहले जो तिथि है सुबह का समय जो 11:50 तक का है वो आपके लिए घात तिथि है, 14 घात तिथि में आती है, तो सुबह का जो समय है वो आपको शांति से पास करना होगा। कुंभ राशि के लिए जो चंद्र है वो चतुर्थ स्थान से निकलकर चलेंगे पंचम स्थान के अंदर, तो आपके लिए शुभ है। संतान रिगार्डिंग आपके कार्य हो सकते हैं, मित्रों से लाभ रहेगा। और मीन राशि के लिए जो चंद्र है वो तीसरे स्थान से निकलकर चलेंगे चतुर्थ स्थान के अंदर, तो चतुर्थ भाव में चंद्र का भ्रमण शुभ नहीं होगा, मृगशीर्ष नक्षत्र में चंद्र होंगे, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं है, खास करके रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा माता एवं पिता के साथ, और यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ। नक्षत्र जो है वो सुबह 7:49 तक रोहिणी है, और उसके बाद नक्षत्र चलेगा मृगशीर्ष, तो मृगशीर्ष नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो मंगल है, तो आज का जो लकी कलर है वो लाल रहेगा। घर से आपको तिल और गुड़ खा के निकलना है, गुड़ का दान भी कर सकते हैं अमावस्या के दिन, तो मंगल ग्रह की शांति होती है और नक्षत्र मृगशीर्ष की भी शांति होती है। ऐसे ही रही, देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शन हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। गूगल प्लस, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।